नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए राजस्थान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 में किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर सी मोहनोत नैन्सी, ऑप्शन नंबर डी महर्षि वाल्मीकि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का जो भूभाग है इसके लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दो, सूरसेन में शामिल नहीं था। प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया है? नहीं था, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी करौली, ऑप्शन नंबर डी सवाई माधोपुर। तो दोस्तों, सूरसेन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें भरतपुर भी आता है, धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, सवाई माधोपुर इसमें नहीं आता है। तो नहीं पूछा गया है, इसलिए दोस्तों प्रश्न नंबर दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सवाई माधोपुर। प्रश्न नंबर तीन, राजस्थान का स्थापना दिवस है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? राजस्थान का स्थापना दिवस पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 30 मार्च। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 मार्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चार, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट किया गया था वो राजस्थान में किया गया था। इसमें इस प्रश्न में स्थान पूछा गया है, वह कौन सा स्थान था राजस्थान का जिसमें भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया, पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए फलोदी, ऑप्शन नंबर बी कोलायत, ऑप्शन नंबर सी पोकरण, ऑप्शन नंबर डी बालाथल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोकरण। पोकरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या पाँच, 84 खंभों की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी बूंदी में। तो दोस्तों, जो 84 खंभों की छतरी है वो है बूंदी में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छः, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गौरी देवी, ऑप्शन नंबर बी मांगीबाई, ऑप्शन नंबर सी बन्नो बेगम, ऑप्शन नंबर डी अल्लाह जिलाबाई। तो दोस्तों, जो मरुभूमि की कोकिला है वो है ऑप्शन नंबर डी अल्लाह जिलाबाई। इसे हम राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला कहते हैं, अल्लाह जिलाबाई। प्रश्न संख्या सात जो है वो जनगणना से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, राजस्थान का लिंगानुपात की बात की गई है, लिंगानुपात पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 928, ऑप्शन नंबर बी 888, ऑप्शन नंबर सी 933, ऑप्शन नंबर डी 914। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2011 के अनुसार लिंगानुपात है राजस्थान का 928, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
बात की जाए ऑप्शन नंबर बे की, तो ये जो है ये राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। क्या है? शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है 888। और जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो है 933। ग्रामीण लिंगानुपात है, क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात जो है 933 है। और शहरी जो लिंगानुपात है वो क्या है? शहरी लिंगानुपात है वो 914 है। इस प्रश्न में जो तीनों ऑप्शन है सही ऑप्शन के अलावा, उनको भी आपको याद रखना है। 888 शिशु लिंगानुपात, 888 क्या है? शिशु लिंगानुपात है राजस्थान का। और 933 ग्रामीण लिंगानुपात है, क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात नहीं है, ग्रामीण लिंगानुपात है। और 914 शहरी लिंगानुपात है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 से आपको 4 प्रश्न क्लियर होते हैं, 4 ऑप्शन आपको याद रखने हैं, 4 ऑप्शनों से 4 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए जैसमंद झील, ऑप्शन नंबर बे पुष्कर झील, ऑप्शन नंबर सी नक्की झील, ऑप्शन नंबर डी सांभर झील। तो दोस्तों यदि बात की जाए राजस्थान के सबसे ऊंचे झील की, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नक्की झील। नक्की झील जो कहाँ है? माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू में है। माउंट आबू में है। और यदि बात की जाए पुष्कर झील, तो ये है अजमेर में है। और जैसमंद उदयपुर में है। और सांभर झील की बात की जाए तो ये है जयपुर में है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में जिलों के खारेपन, राजस्थान में खारेपन का कारण है, ये प्रश्न सही करें, राजस्थान में खारेपन का कारण है झीलों, राजस्थान में झीलों के खारेपन का कारण है, खारेपन का कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए टेथी सागर के अवशेष, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर के अवशेष, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर के अवशेष, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राजस्थान में जो अधिकतर झीले खारे पानी युक्त है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो है टेथी सागर के अवशेष के कारण माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, राजस्थान में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं उनकी बात की गई है, उनके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों जो यदि बात की जाए लोकसभा सीट की, तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर डी 35। तो राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है ऑप्शन नंबर बी 25 सीटें, और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या है 10 राज्यसभा, राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और यदि विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में राजस्थान में टोटल सीटें हैं 200। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।